हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा, क्योंकि सर्दियों का सीज़न हो तो मूली का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और सबसे पहले हम मूली ले लिए हैं और उसके हम छिलनी से छील लेंगे, उसके बाद इसे धो के कद्दूकस कर लेंगे। मूली के पराठे का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसे हम दूसरी तरह से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्रश कर लेंगे सारे मूली को। काफ़ी टेस्टी पराठा बन के तैयार हुआ था। आप इसे चटनी से या चाय से भी खा सकते हैं। ये देखिए, हमने मूली को घिस लिया है। उधर हमने चटनी के लिए टमाटर और धनिया पत्ती और ले लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। टमाटर हमने भून के लिया है। सबसे पहले हम आटा ले लेते हैं, उसमें हम धनिया का पत्ती और अदरक डालेंगे। हरी मिर्च नहीं डालेंगे कटी हुई, क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाता है तो बहुत चिल्लाते हैं सब। तो हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। अब हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्चा पाउडर, सब कुछ इसमें हम अच्छे से ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 2-3 चम्मच। आप इसमें मोयन के लिए घी या रिफाइंड ऑयल डाल दें। आप चाहें तो 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाएंगे। अब इसमें हम मूली डाल देंगे और पहले हम जितना भी क्रश किया हुआ मूली रहेगा उसी से हम इसे मैश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर कम पड़ता है तो थोड़ा पानी ऐड कर दें, और नहीं तो आप उतने मूली में, मूली भी पानी छोड़ता है तो उसी पानी से हम मूली को अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे हम। हमें इसमें पानी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस हमें हल्का हल्का छींटा मारना है। अब हम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं क्रश किए हुए मूली को, ताकि ऐसा ना हो कि गीला हो जाए। आटे का डो हम अच्छे से बना लेंगे। इधर हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी। इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे, क्योंकि हमें आटा सख्त लग रहा था, दो अच्छे से बन नहीं रहा था। इसे अब दही चटनी, चाय या खीर किसी चीज़ से भी इंजॉय कर सकते हैं। आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है। अब चलते हैं, हम सबसे पहले बेल लेते हैं आटे को। पराठा बेल लेंगे हम इसे। पराठा आप थोड़ा मोटा मोटा ही बनाएं, ताकि वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। गैस पे हमने तवा रख दिया है। अब हम पराठे को बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है।
तवा हमारा गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और हम पराठे को डाल देंगे इस पर। नीचे से पराठा सिक गया है, इसे ऊपर पलट देंगे हम, ऊपर भी इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देंगे, सेक लेंगे। अगर पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो एक बार इसे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है पराठे की, और इसे हम क्रिस्प होने तक सेक लेंगे अच्छे से। इसी तरह हम सारे पराठे को अच्छे से बना के तैयार कर लेंगे, दूसरा पराठा भी हम सेक लेंगे ऐसे ही। अब इसे हम थाली लगा लेते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ गाइज।